नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, जो कि एक प्रकार की वर्चुअल डिजिटल करेंसीज होती है। और इस पे हाल ही में हमारे वित्त मंत्रालय ने 18% GST लगाने का प्रस्ताव पारित किया है, जो कि इसके क्रिप्टो ट्रेडिंग पे लगाया जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या होता है क्रिप्टो करेंसी। ये एक प्रकार के डिजिटल वर्चुअल करेंसीज होती है जो किसी कमोडिटीज़ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, तथा क्रिप्टो करेंसीज का ट्रांजेक्शन और उसका ट्रेडिंग पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ होता है, फिर ये किसी अकाउंट के बेसिक यूनिट्स की तरह इसे यूज़ किया जाता है, तथा किसी कमोडिटीज़ की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, उसके बेसिक वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। हालांकि एक मुख्य बात यह है कि ये फ़िलहाल लीगल टेंडर नहीं है, और ना ही इसे किसी देश के जुरिडिक्शन ने इशू किया है, ना ही इसे किसी देश के द्वारा गारंटीड किया गया है। तो लीगल टेंडर वे टेंडर होते हैं जिसे किसी देश के सेंट्रल बैंक या उस देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री या उस देश के गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड किया हो। फॉर एग्जांपल, हमारे जो लीगल टेंडर्स है, जैसे कि नोट्स, कॉइन्स, 500 के नोट्स, 100 रुपए के, 200, 10, 20 के नोट्स है, इसके जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गारंटीड होता है। फिर जो कॉइन्स रहते हैं, 1 रुपए के कॉइन, 2, 5, 10 रुपए के कॉइन, ये किसके द्वारा बैक्ड होते हैं? ये हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बैक्ड होते हैं। अब हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी, जो कि क्या फिलहाल ये सिर्फ प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा जारी की जा रही है। तो प्राइवेट ऑपरेटर्स की जितनी कम्युनिटी होती है, उनमें कम्युनिटी के हर एक इंडिविजुअल्स के बीच ये ट्रस्ट के बेसिस पे इसका ट्रांजैक्शन होता है, तथा उन्हीं के बीच एक एक नॉन ज्यूरिडिक्शनल या फिर नॉन नॉन लीगल एग्रीमेंट होता है। अब क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसीज होती है जिसे क्रिप्टोग्राफी की तरह की का यूज़ करके सिक्योर्ड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे रिकॉर्ड किया जाता है, और ये फिलहाल ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का एक उदाहरण हो सकता है जो हमारे बही खाता होते हैं, वो हो सकते हैं पर्सनल बही खाते भी और पब्लिक बही खाते भी। तो मान लीजिए एक जितने भी दुनिया भर के किसी भी देश में मौजूद क्रिप्टो करेंसीज के यूज़र है जो इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं, उन सभी के पास डिजिटल लेजर मौजूद है, और ये एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होगा। तो अगर आप यहाँ पर किसी शहर में रह के क्रिप्टो करेंसीज पे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपकी जो भी डिटेल है, ट्रांजैक्शंस की डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल, वो इस पब्लिक डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर में सेव्ड होते रहेगी। और ये ब्लॉक बाय ब्लॉक हर किसी यूजर्स, दुनिया के सभी क्रिप्टो करेंसीज के यूज़र, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज़र्स, उन सभी के पास ये ब्लॉक बाय ब्लॉक के फॉर्मेट में, उन सभी के पास ये मौजूद होगी। तो इसका एक बहुत ही बड़ा लाभ ये है कि ये एक पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जिससे किसी प्रकार के करप्शन होने के या फिर किसी प्रकार के फाइनेंशियल फ्रॉड होने के केसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हमने देखा कि ये लीगल टेंडर इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत से देश है यूरोप के, फिर अमेरिका के, जो कि इस वक्त अपने देश का जो उनकी लीगल टेंडर्स है, उनमें ये क्रिप्टो करेंसीज को अपने खुद की नेशनल क्रिप्टो करेंसीज बनाने की बात कर रहे हैं। और फिलहाल हमारे देश में भी यह चर्चा चल रही है कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खुद का एक क्रिप्टो कॉइन
बनने जाएगा कुछ सालों में, जो कि हमें आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा। तो ये जो होंगे क्रिप्टो कॉइन्स, वो होंगे गारंटीड रिजर्व बैंक के द्वारा। लेकिन फिलहाल जितने भी दुनिया भर में क्रिप्टो कॉइन्स मौजूद है, ये सभी प्राइवेट है और ये एक तरीके से टोकन टोकन करेंसीज है। अब हम डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो दो चैनल से हो जाते हैं। एक होता है ऑनलाइन और दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे रिकॉर्ड हो, जबकि ऑफलाइन वे होंगे जो इस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होता है उस पे भी रिकॉर्ड नहीं रहते। इसका एक उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, या आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो आपको एक महीने सैलरी आपके बैंक अकाउंट में भेजता है, और वही एम्प्लॉयर आपको अगले महीने आपकी सैलरी बाय कैश आपको सेंड करता है। तो जब वो एम्प्लॉयर आपको बाय बैंक सेंड कर रहा है, तो जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है, सैलरी आपकी कितनी थी, आपको कितना मिला, उससे इंटरेस्ट कितना कट हुआ, ये सभी इस बैंक के सिस्टम पे स्टोर हो गई। और इसके अलावा आपका जो पैन कार्ड होता था, उसमें भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स, ये सभी उसमें स्टोर हो जाती है। फिर इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनका जो सिस्टम है, वे इससे भी आपके फाइनेंशियल डिटेल्स, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकेंगे, क्योंकि ये पे एक ऑन चेन ट्रांजेक्शन है। और उसी के दूसरे तरफ, अगर जब एम्प्लॉयर आपको आपको जो आपकी सैलरी वो बाय कैश आपको प्रोवाइड करता है, तो इस वक्त आपके पास किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है कि आपको ये सैलरी मिली है। मतलब अगर आपको इनकम टैक्स फाइल करना हो, तो आप ये शो नहीं कर सकेंगे कि आपको इतनी सैलरी मिली है, जब तक कि आप उसे किसी रिटर्न में उनसे लिखवा ना ले। अब फिर इसके अलावा जो ऑफलाइन मोड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन टू पर्सन ही इसकी वैल्यू मौजूद होगी। तो ये होता है ऑफ चेन ट्रांजैक्शन। अब जानते हैं हम क्या फीचर्स होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के। तो ये फिलहाल ना तो किसी प्राइवेट या किसी पब्लिक एजेंट के द्वारा पर्सनली बैक्ड होता है, ना वे उस पे गारंटीड उनके द्वारा होता है। इसलिए ये किसी भी व्यक्ति पर इसकी लायबिलिटी नहीं होती। और ये फिर होता है एक ट्रांजेक्ट, ये हमने देखा था कि ये वर्चुअल होता है और डिजिटल होता है, इसलिए इसका जो भी ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग होती है, वह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में ही की जाती है। और अगर हम अपने ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट से क्रिप्टो करेंसीज को बाय या सेल करते हैं, तो वो किस फॉर्मेट में कर सकेंगे? आप बैंक को ऑनलाइन मोड, बैंक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मोड से ही आप इसका आदान प्रदान कर सकेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स मोड से। अब फिर क्रिप्टो करेंसीज को फिलहाल यूज़ किया जा रहा है कमोडिटी मनी के द्वारा, के रूप में। फिर अगर पर्सन टू पर्सन हम जब क्रिप्टो करेंसी, एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्ट करता है, सेंड या रिसीव करता है, तो किस फॉर्मेट में होता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश के फॉर्मेट में, ई कैश। फिर कमोडिटी उदाहरण हो सकते हैं टेस्ला मोटर्स। इलॉन मस्क ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि वे अपने कार की बाइंग और सेलिंग क्रिप्टो करेंसीज के फॉर्मेट में बिटकॉइन के द्वारा सेंड या रिसीव कर सकेंगे। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टेस्ला ही ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये पूरे नेशनल ये गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं है। ये वे इलॉन मस्क अपने अपनी मर्जी से इसे रिलीज कर रहा है। तो ये उनका प्राइवेट ट्रांजेक्शन का एक एग्रीमेंट है, तो इसलिए ये हुआ एक कमोडिटी टी मनी। तो आज के लेक्चर में हमने
क्रिप्टो करेंसीज के एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा, और आने वाले वीडियोस में हम क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन करेंसीज, फिर जो विभिन्न प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज है इस वक्त, जैसे कि ऑल्ट कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स और फिएट कॉइन्स और फिर बिटकॉइन, और इससे रिलेटेड जो भी अन्य डिटेल्स है वो हम आने वाले वीडियोस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।